कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद। एक बंगला बने न्यारा सोने का बंगला, सोने का जंगला, सोने का। ये तो ईट गारे का मकान है पुत्र, सोने का नहीं। चलो सोने की जगह तो हुई, हमारे वास्ते यही बहुत है कि दिल्ली में अपना मकान हुआ। यही पापा का बड़ा मकान? नहीं काके, ये तो ग्रैंड पापा का छोटा मकान है। तेरे पापा के मकान में तो सफेदी हो रही है। मकान इतना बड़ा है कि 1.5 साल हो गए मगर अभी तक सफेदी पूरी नहीं हो सकी है पापा। तेरा ताया तो ऐसे ही बकता रहता है, इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया कर। काके की ताए की बातों पर तो आप तेरे को पूरा ध्यान देना चाहिए बिरादर। मैं अपने दोस्त के साथ सब कुछ तय करने वास्ते जा रहा हूँ। तूने बिजनेस करनी है? बिजनेस कर लेने हैं, हेरा फेरी नहीं। मेरे दोस्त ने ठेकेदारी की लाइन में जमा देना हमको, साथ ही साथ अपना पुराना सप्लाई वाला काम भी करते रहने। ये सब हेरा फेरी वाले धंधे हैं, इनमें मैं साथ नहीं आना चाहता। हेरा फेरी कहाँ है इसमें, कोई छापा खाना डाल लो छोटा मोटा। मास्टर जी ने आप बहुत काम किया है इंकलाबियों के छापे खाने में, ये भी तुम्हारी मदद कर देंगे। छापा खाना भी डाल लेने माता जी, मगर बिजनेस करने वास्ते थोड़ा बहुत लेन देन हेरा फेरी करनी पड़ती है। मैं इसी करके बिजनेस नहीं करना चाहता। तेरे वर्गे ईमानदार लोग बिजनेस से परहेज करने लग पड़े तब तो हेरा फेरी ही होनी हुई। तू ईमानदार बंदा है तो बेईमानी से लड़ना तेरा फर्ज है। अपने फर्ज से मुंह मोड़ लाना है तेरे को। इस गुनाह के लिए वीरा वाली को तो माफ करता नहीं, तो अपने को कर लेना है। रोशन तू अपने दोस्त के साथ तय करके आ। ओए बल्ले बल्ले, नया मकान नई दुकान नया धंधा, चलता लौट के मिलता। और माता जी वो नेम प्लेट कौन सी लगानी थी वो दो। वाह वाह हो गया ये काम, मास्टर वेलीराम जी की कोठी। कोठरी कहो, रब ने चाहा तो कोठी भी हो जानी बहुत जल्दी। इतनी जल्दबाजी में मत रहा कर पुत्र। जल्दबाजी माता जी, इधर तो पोस्ती पने की हद होने आई है। रोशन आपका 33 साल का होने आया, हाल तक न कोठी न वोटी। कोठी की तो मेरे को इतनी जल्दी है नहीं, हाँ वोटी जरूर आनी चाहिए। मैंने कहा मास्टर जी सत और रोशन दोनों इतने बड़े हो गए हैं, अब इनके ब्याह की फिक्र करो। मैं आप अपने ब्याह की फिक्र नहीं कर सका था लाजू जी। दादाजी का ब्याह किसने कराया? मैंने। लाजू जी तो आप ही इनका भी कराओ। सतबीर तो करना नहीं चाहता और रोशन को होटलों वाली महलों वाली ही चाहिए। होटल वाली को जब होटल मिला तो उसने मेरे को छोड़ दिया, और महलों वाली का तो महल ही बेबुनियाद निकला। भाग ही खोटे आपके रोशन के। निगोड़ी कहीं की, भाग तो मेरे फूट गए जो तुझ जैसी करम जली को अपने गले से बांध लिया। कान खोल के सुन ले रज्जू। मौसी पहले कान तो खोलने दे। मुझौसी कहीं के मुझसे मजाक न किया कर, कल तक किराया नहीं दिया तुझे घर से बाहर निकाल दूंगी। सगी ना हो भले मगर असली मौसी तो तू ही है मेरी। जिस तरह से मैं किराया देने के मामले में आजकल आजकल करती हूँ, वैसे ही तू मुझे निकालने के मामले में। ही करके हंसती है बेशरम कहीं की। ले मैं तुझे आज ही निकाल देती हूँ। आज मत निकाल मौसी, आज तो मैं तुझे किराया देने वाली हूँ। तो अब तक मुझे क्यों गुल्लू बना रही थी रज्जो? ला बेटी निकाल किराया ला। उसी की रकम तो वसूल करने जा रही हूँ, शाम तक दे दूंगी। देख रज्जू अगर तूने शाम तक किराया न दिया तो मैं कल सुबह सुबह मुझे निकाल देगी। मौसी दिन के 12 बजे तक तो होटल वाले भी रहने देते हैं। अरे निगोड़ी मैं तुझे कहाँ निकालने के लिए कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही थी कि सुबह सुबह उस बैंक वाले बाबू से तेरी शादी करवा दूंगी, वो तेरा पिछला किराया भी भर देगा और तुझे भी साथ ले जाएगा।
मौसी जो भी करियो सोच समझ के करियो, कहीं घर जमाई गले ना पड़ जाए। मेरे वास्ते भी लेमन। अरे ये क्या, मेरी देखा देखी आपने भी लेमन मंगा लिया? भाई कुछ और शौक करते हो तो? जी तौबा, हबीबुल्लाह साहब मैं मास्टर हवेलीराम जी का पुत्र हूँ। ठीक है दो लेमन ले आओ। वैसे मेरे सुनने में तो आया था कि आप माशाल्लाह मास्टर हवेलीराम की तरह रूखे नहीं है। जी लोग तो यूं ही बदनाम कर देते हैं। हेलो रोशन। हेलो प्रिंसेस। तुम्हें पूरे होश और हवास में देखकर बहुत खुशी हो रही है। परसों जिमी की पार्टी में तुम बिल्कुल धुत हो गए थे। परसों तुम जलंधर में था। यहाँ तुम्हारा जुड़वा भाई रहा होगा। डबल रोल मुबारक। देखा आपने, बिना बात की बदनाम करते थे। अब परसों तो मैंने आपको जलंधर से फोन किया था। सवेरे पार्टी शाम को होती है। जी शाम को तो मैं नए मकान में पोछा मारा था। आप पिताजी से पूछ लेना। प्लीज डोंट माइंड भाई, हम वकीलों को तो ऐसे नुक्ते निकालने का मर्ज होता है। लीजिए लेमन भी आ गया, उठाइए जाम नई बिजनेस के नाम। वैसे आपने ठेकेदारी और सप्लाई के काम करने का फैसला किया है तो उसमें हम आपकी काफी मदद कर सकेंगे। लाला वृषभान एंड सन खुद तो इस लाइन से पूरी तरह से हट चुके हैं, लेकिन उनके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं। चीयर्स। चीयर्स। जी कॉन्टैक्टों की बात तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो जरूरत है कैपिटल की। कुछ पैसा मिल जाता काम शुरू करने वास्ते तो? पैसा जरूर मिलेगा, लेकिन मुझे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि पहले आपकी और सदबीर की पार्टनरशिप की ऐसी डील तैयार होनी चाहिए जिसमें कानूनी नजरिए से कोई खोट ना हो। वो हम बनवा लेने जी, हालांकि भाई भाई में कानूनी लिखा पड़ा थी क्या जरूरत है? है साहब, और डीड में ये साफ लिखा होना चाहिए कि आप यानी रोशन मुनाफे के सिर्फ 20% के हकदार हो, बाकी का सब सदबीर के हिस्से में जाएगा। चलो वो भी करा देने। सदबीर 100% अपने हिस्से में रहना चाहिए, बाकी किसी चीज का लालच नहीं है मेरे को। हम भाइयों में बड़ा प्रेम है, ये तो आप जिद कर रहे हो, वरना ये डीड शीट बनवाना तो बेकार वकील खर्चा उठाना है। मैं खुद आपके लिए बनवा के भेज दूं। ठीक है जी, जरूर भेजो। आपने मेरा क्वार्टर नंबर क्या बताया था? M1/32। 32। सदबीर, आधा वर्ष हबीबुल्ला साहब। अरे प्रिंस, आओ बेटे बैठो। जी मेरे को बैठना नहीं है, बस एक बात पूछनी है रोशन से। आराम से बैठ के पूछ। क्या हबीबुल्ला साहब ही वो दोस्त हैं जो तेरा नया धंधा जमाने वाले हैं? तो किस तरह की बात करता है? हबीबुल्ला साहब तो हमारे पिताजी के दोस्त हैं, मेरे तो बुजुर्ग हैं। तू जब यहाँ से फ्री हो जाए तो मेरे को ऑल इंडिया रेडियो को बाहर मिलना। चंगा। तो मैं क्या कह रहा था हबीबुल्ला साहब, हाँ गोवा की आजादी के मुहिम पर वो आर्टिकल जरूर भेजना पिताजी के वास्ते। जी हाँ, जरूर भेज दूंगा, बल्कि मैं खुद भी उनसे मिलने आऊंगा। जब तक ये मामला जम न जाए आप बिल्कुल मत आओ, और वो डी भी आप चपरासी के हाथ मत भेजना, मैंने आप आके ले लेनी है। और हाँ, सदबीर के मन का शक दूर करने के लिए गोवा के बारे में वो आर्टिकल जरूर भेज देना। ठीक है। पिताजी मैं शनिवार समाज की गोष्ठी में जा रहा हूँ। तो कहाँ? शायरी से नाक में दम करने कराने। हवेली राम जी यहाँ रहते हैं? हाँ, क्या बात है? ये लिफाफा भेजा जी हबीबुल्ला साहब ने। मेरे वास्ते भेजा हूँ मैं। तू तो कह रहा था पिताजी वास्ते आर्टिकल भेजने वाले। क्या बात है? हबीबुल्ला साहब ने गोवा की जंग आजादी पर कोई आर्टिकल लिखा है, आपकी राय वास्ते भेजा है ना। मेरे को लिखा, मेरे को गोष्ठी वास्ते देर हो जानी है। रोशन दे क्यों नहीं देता पुत्र? देख इस मुंह से, इसमें कोई लेख वेख नहीं ना है, इसमें तो होना है लाला वृषभान का भेजा हुआ चेक। बात क्या है पुत्र? मदर जी बात ये है कि शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, इतना बड़ा कभी चेक होता है? बातें बनाना छोड़, लिफाफा मेरे को दे। मैंने पिताजी को ही देना, ये आर्टिकल इनकी राय वास्ते ही भेजा है। ये तो एनजी गोरे का गोवा पर आर्टिकल है। तो सत अब बता क्या करना है, ये लेख पढ़ना है या कविता सुनानी है पब्लिक को? अच्छा मैं चलता हूं। अरे एक मिनट बिरादर, जाते जाते इस बिजनेस के कागज पर एक अंगूठा टिकाते जा। ये क्या है? जो है मैं पढ़ चुका, तू यहां दस्तखत कर। और एक पार्टनरशिप डीड, इसकी क्या जरूरत है? जब तेरे को मेरे पर भरोसा नहीं है तो इसकी जरूरत किस तरह नहीं है?
चल यहाँ साइन कर। एक मिनट, ये क्या है? मुनाफा 80% मेरे को मिलेगा और तेरे को सिर्फ 20%? तेरे को ज्यादा दे रहा है, इस पर तू आंखें दिखा रहा है। ज्यादा क्यों दे रहा है? किसी ने कहा तेरे को ज्यादा देने वास्ते? हाँ, मेरे जमीन ने, जैसा ही मैंने अपने दोस्त के साथ सारा बिजनेस तय कर लिया, जमीन मेरे को कोने में लेकर गया और बोला, रोशनलाल तू तो है चोर और तेरा भाई है साधु। कानूनी लिखत पढ़त करके 80% मुनाफे का हकदार उसे नहीं ना बनवाया तो उस गरीब ने तो 20% भी नहीं पाना। तेरी सोहबत कर सकने के बाद कौन रह सकना है साधु? अब मेरे को भी इतनी अकल है कि समझ सकूं कि ये क्या है। क्या है? इसका जरूर लाला वृषभान से कोई कनेक्शन है। इसका कनेक्शन मेरे जमीन से है और मेरा जमीन लाला वृषभान नहीं है। हर चीज में लाला वृषभान का हाथ दिखता है। लाला वृषभान नहीं, वह कोई भगवान हो गया। तेरे लालच की नकेल वो लोग मेरे को नहीं डाल सकते। तेरे को मेरे साथ मिलकर काम करना है तो बेशक कर, उसके लिए इस ठकोसले की कोई जरूरत नहीं, समझा? मैं माफी चाहूंगा साहब, मगर बगैर पार्टनरशिप डीड के तो हम आपको पैसा देंगे। जी आप मेरे पे भरोसा करो ना, जब सदबीर को मेरे पर पूरा भरोसा है तो आपको भी तो होना चाहिए। मैं नहीं चाहता था कि मुझे अपने मुंह से कहना पड़े, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। इस मामले में आपकी साख बहुत बुरी है, पहले डीड पर दस्तखत करा लें फिर मिले। जरा एक मिनट बैठिए हुजूर, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। आइडियाज नहीं, डीड की दरकार। हेलो प्रिंसेस राज राजेश्वरी ऑफ कंगलागढ़, आप इधर अकेले और उदास कैसे बैठे हो? आपके इंतजार में नहीं। मेरा तो इंतजार करना भी मत, वरना जिंदगी भर इंतजार ही करना पड़ जाना है। और जी सुनो, आज आपका मुंह नॉर्मल से भी ज्यादा किस तरह लटका हुआ है? धंधा मंदा है क्या? जब से आप मेरी जिंदगी में आए हैं दिल की धड़कने तक मंदी हो चली है। सैड, वेरी बैड। आपके चरण पड़ जाने से बंटाढार बंदे का भी हुआ है। अगर आप मेरी जिंदगी में ना ही होती तो इस समय बड़े होटल का मालिक होता। पर मैं एक बहुत बड़े महल की मैंने उसी महल में होटल खोल लेना था। महल मिलते ही कांटेक्ट कर लेना, बाकी सारी प्रॉब्लम मैंने आपकी सॉल्व कर देनी है। मैं भले ही भीख मांग लूंगी लेकिन आपकी मदद नहीं लूंगी। तो मिलेंगे जब भीख मांगने लगोगी। पिताजी आप इस डील पर सदबीर के दस्तखत कराओ, वरना मेरे सपनों का महल ढह जाना। तेरे सपनों के महल की बुनियाद डालने के वास्ते मैं झूठ तो बोल नहीं सकता पुत्र। अब मान जाओ मास्टर जी, ऐसा कौन सा बड़ा झूठ बोलने के वास्ते कह रहा है? लाजो जी, झूठ बड़ा या छोटा नहीं होता। इस झूठ से लाला वृषभान को मन की शांति मिलेगी। हबीब भाई ने जलंधर में बताया था ना कि जय की बीमारी की वजह से वो परेशान हुए पड़े हैं। इस झूठ से बाद में सत्यवीर को तकलीफ पहुंचेगी लाजू जी। वैसे ने किसी को तकलीफ दी आज तक? अब इन्हें परेशान मत कर रोशन, सत को मैंने राजी कर लेना है। कहां है वो? बच्चों के पार्क में। पापा मेरे साथ गेंद नहीं खेलनी? तू और बच्चों के साथ खेलना जाके। आप भी तो बच्चे हो। किसने कहा? दादी कहती है। क्या कहती है? कहती है तेरा पापा आप बच्चा है। झूठ थोड़ी ना कहती है, तेरा पापा जिद्दी बच्चा है। जा तू खेल। साझेदारी के कागजात पर दस्तखत क्यों नहीं किए? मेरे को जो कुछ कहना था मैंने रोशन से कह दिया कल शाम और अभी थोड़ी देर पहले भी। पुत्र तू ये ख्याल अपने मन से निकाल दे कि रोशन लाला वृषभान के साथ मिला हुआ है। तो क्या जो रोशन ने कहा उसे सही मान लूं? मैं ये समझ लूं कि आप लोगों ने उसे जबरदस्ती डीड बनवाने वास्ते कहा है? माता जी
रोशन ने तो रोज नई नई कहानियां गढ़नी है मेरे को बेवकूफ बनाने वास्ते। ये कहानी नहीं सच्चाई है पुत्र, हमने ही उसे साझेदारी के कागजात बनाने वास्ते कहा ताकि ताकि वो तेरी सिधाई का नाजायज फायदा ना उठा सके। इसीलिए आप उस टीक में मेरे को नाजायज फायदा दिलवा रहे हो? 80% मुनाफा मेरा? माताजी, रोशन झूठ बोले उसे बोलने दो, आप तो मत बोलो। ना पुत्र, मैं सच कह रही हूँ, ये डीड हमने बनवाई है और तेरा हिस्सा इतना ज्यादा इस करके रखा है कि अब तू अकेला नहीं ना है। काके की देखभाल करनी है, उसकी लिखाई पढ़ाई करवानी है और फिर हमें भी बुढ़ापे में तेरे से उम्मीद है। मैं शुरू से कहती हूँ सत, तू हमारे वास्ते पुत्रों से बढ़कर है, करते दस्तखत। नमस्ते जी। नमस्ते जी। घर पे कोई लेडीज हैं? जी मेरी पत्नी जरा बाहर गई हुई है, कहिए जी। वो ऐसा है कि दंगों में जो औरतें भगाई गई थी, हम उन्हें फिर से बसाने का काम कर रहे हैं। अच्छा जी, ये तो बहुत अच्छा काम है, आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मेरी बहन है प्रज्ञावती, वो भी इसी काम में जुटी हुई है, आप तो उन्हें जानती होंगी। प्रज्ञावती दो हैं हमारे यहाँ, आप किनका जिक्र कर रहे हैं? वो जो सन्यासिनी है। वो आपकी बहन है? A great woman indeed. उन्होंने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। जी किस तरह? जी मैं एक राजकुमारी हूँ, प्रज्ञावती जी की बातों का मुझ पर इतना असर हुआ कि मैंने प्रिवी पर्स को, राजसी ठाट पाट को लात मार दी। ये मेरी पत्नी आ गई, लाजो जी। ये क्या नाम है जी आपका? राज राजेश्वरी, मगर आपके लिए बिटिया राज। लाजो जी, ये है बिटिया राज, बहन प्रज्ञावती की चेली। उत्तरकाशी से आई हो? नहीं जी, मैं उनकी ओर से यहाँ काम करती हूँ। अच्छा, उन्होंने कभी बताया नहीं? दिल्ली में नई आई हूँ, पहले अमृतसर में थी। प्रज्ञावती के प्रभाव में आकर बिटिया ने राजसी वैभव ठुकरा दिया है, ये राजकुमारी हैं। अच्छा। अदावर्ज मास्टर हवेली राम। आदाब हबीब भाई। अल्लाह जयंती बहन, आप कैसी? ठीक हूँ, आपकी दुआ से। और आपकी तारीफ, सूरत तो कुछ पहचानी सी लग रही है। ये राजकुमारी राज राजेश्वरी है, मुसीबत सदा औरतों की मदद के लिए काम करती है। तो मैं आप लोगों से क्या उम्मीद करूं? जी हम तो अपनी सेवाएं ही दे सकते हैं, आप जहां भी बताएंगी मैं और लाजो जी वहीं काम करने आ जाएंगे। आप क्यों तकलीफ करते हैं इस उम्र में, हमारे पास ढेरों नौजवान वॉलंटियर्स हैं, थोड़ा डोनेशन। हमारी हैसियत के लोग जो दे सकते हैं उससे क्या बनना है बेटी, डोनेशन तो तुम्हें हबीब भाई दिला देने हैं सेठ साहूकारों से। आप कभी मेरे चैम्बर्स में तशरीफ लाइए, जो बन सकेगा करवा देंगे। थैंक यू। वैसे माता जी, अगर हमें अमीरों से ही डोनेशन लेना होता तो हम इस तरह दर-दर नहीं भटकती। हमारा काम धर्म का काम है, हम उनका पैसा नहीं लेना चाहती जिनकी कमाई अधर्म की हो। जी मेरे पास तो बस थोड़ी सी रेजगारी है, लाजो जी आप जरा भीतर से ला दो। ताकि मैं झूठ तो बोल लिया कोई ना, ताकि मैं कुफर तोड़ लिया कोई ना। देर लगाता है नहाने में। माता जी शहर में पाप इतना है कि जब तक रगड़ रगड़ के ना नहा लो आप अपने से घिनाती है। अरे सतबीर हो गया राजी? उसने दस्तखत कर दिए, हबीब भाई बाहर खड़े हैं, उन्हें दे दे फटाफट। अभी लो। और सुन, कोई चंदा मांगने वाली आई है, उसे 1 रुपया दे दे। माता जी इस खुशी में तो 4.25 रुपए दे देना। राजकुमारी जी
तो आखिर आप निकली पड़ी भीख मांगने? मेरा मतलब है चंदा उगाने। तू इन्हें जानता है? जी ने कौन जान सका है। ये लीजिए मेरे माताजी पिताजी की तरफ से 5 रुपए। 1, 2, 3, 4। हबीबुल्ला साहब ये रही पार्टनरशिप डीड मेरे और मेरे भाई के दस्तखत के साथ। तो बताइए कब हाजिर हो जाओ आपके पास डब्बा लेके? कल सुबह दफ्तर खुलने पर। मैं बयान नहीं कर सकता हूं भाइयों इस लाला रिजवान को कितनी खुशी होगी। जब से मैंने डीड बनाई है बराबर यही कहते रहे हैं कि ये काम हो जाएगा तो जय की तबीयत संभल जाएगी। दरअसल भाईजान मेरी समझ में नहीं आया कि उस बच्ची से क्या कहूं। क्यों? खैरियत? आप खुद देख लीजिए एयरपोर्ट। मेरी लाचारी आपकी समझ में आ जाएगी।